पिछले वीडियो में आप लोगों ने 1 से 10 तक के क्वेश्चन देखे थे, 1 से 11 तक के क्वेश्चन देखे थे और क्वेश्चन नंबर 12 से बाकी है। यह है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि प्रत्येक इनवर्स फंक्शन सदैव एक कोण को व्यक्त करता है, तो कॉस इनवर्स 1/2 यानी 60, साइन इनवर्स 1/2 यानी 30। प्रत्येक इनवर्स फंक्शन सदैव एक कोण को व्यक्त करता है, 30 × 60। अब इसको पाई के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था, पाई बटा 180 अंश से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से यह कट जाएगा 2π/3। जो विद्यार्थी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वह इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि शुरुआत पिछले वीडियो से हुई थी और उसमें सारे इसके रूल्स बताए गए हैं, क्योंकि अगर हम क्रमानुसार मैथ का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर बीच से वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सबसे पहले पिछले वीडियो को ही देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें। यहाँ हमें देखना होगा कि टेन इनवर्स अंडर रूट 3 कितने कोण को प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि टेन 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, इसलिए 60 अंश के कोण को व्यक्त करता है। sec इनवर्स माइनस टू, तो ये आपका sec कितने अंश का मान माइनस टू होता है ये हमें देखना होगा। तो sec 120 अंश का मान माइनस टू होता है ये हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ 120 अंश कर देते हैं और सरलतापूर्वक यदि समझना है कोण को तो ध्यान दें sec inverse -2। sec का उल्टा होता है cos, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। जिस फार्मूले के आधार पर इसको यहाँ यह लिख sec इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया गया है, पिछले वीडियो में इस फार्मूले की चर्चा की गई थी। पिछले वीडियो में आपने देखा कॉस कितने अंश का मान माइनस 1/2 होता है, तो पिछले वीडियो में भी इसका प्रयोग हुआ था, 120 अंश कॉस 120 अंश का मान माइनस 1/2 होता है, इसीलिए यहाँ 120 अंश नोट किया गया है। sec inverse -2 अर्थात 120 अंश, ये हो जाएगा माइनस 60 अंश। पाई के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह कट जाएगा 3 times π/3, -π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा -π/3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया, प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट होने वाला है। प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले कुछ सूत्रों पर फोकस डालना आवश्यक है, सूत्रों पर आप लोग ध्यान दें। ये जो दो सूत्र हम लिख रहे हैं यह दोनों हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, साइन 3a
इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है कॉस 3 ए इक्वल टू 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। इसकी अतिरिक्त दो सूत्र और बता रहे हैं जो इंटरमीडिएट स्तर का है। यह दो सूत्र हाई स्कूल में आपने पढ़ा है जिसका यहाँ यूज होगा, और यह दो सूत्र आप लोगों के लिए नया है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और चौथा फार्मूला है 2 टेन इनवर्स x बराबर 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह जो दो फार्मूला है यह हाई स्कूल में आपने पढ़ा है जिसका यहाँ प्रयोग होना है, और यह दो नए फार्मूले आप लोगों के लिए हैं। अब हम पहले प्रश्नावली के कुछ सवालों को लगाएंगे और फिर शेष सूत्रों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सिद्ध करना है। तो यहां पर ये जो साइन इनवर्स x आप देख रहे हैं इसको मैं थीटा मान लेता हूं। अब साइन को ये अपने तरफ से माना गया है, इस साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया गया, साइन को पक्षांतर कर देते हैं तो इनवर्स हट जाता है यानी x बराबर साइन थीटा। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे क्वेश्चन का, यहां से राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे क्वेश्चन का। x के स्थान पर x इक्वल टू साइन थीटा है, x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर देंगे, यहां 3 पावर है तो 3 पावर के साथ रहेगा, x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर देंगे। पुट करने के उपरांत यह हाई स्कूल का जो एक फार्मूला है वह तैयार हो जाएगा, यह वाला फार्मूला, इससे यह आपका मैच कर रहा है। इसकी जगह पर लिख देंगे फार्मूले के द्वारा साइन 3 थीटा, फार्मूला हो गया यह साइन 3 थीटा हाई स्कूल से। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचेगा। जो भी सूत्र का प्रयोग हो रहा है, यदि वीडियो पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो से क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मैथमेटिक्स की किसी भी वीडियो को देखने से पहले क्रमानुसार चलना आवश्यक है। थीटा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, इसलिए थीटा के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया है, हमने राइट साइड लेकर चला है, लेफ्ट हैंड साइड सीध होकर आया है। दूसरी बात, यहां पर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा रखा गया है, अगर यहां कॉस इनवर्स एक्स रहता तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा रखा जाता। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1। अपने बुक में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी प्रोसेस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए वहां क्वेश्चन नंबर 2 में 3 कॉस इनवर्स एक्स है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे और सेम इसी प्रोसेस से हल कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
जिस क्वेश्चन में दो टैन इनवर्स को जोड़ना हो, दो टैन इनवर्स का योगफल हो, दो अलग अलग टैन इनवर्स का योग होता है, वहां पर हम सूत्र नंबर 4 का प्रयोग करते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जिस क्वेश्चन में दो टैन इनवर्स के बीच में प्लस का चिन्ह होता है, अर्थात दो टैन इनवर्स को जोड़ना होगा, वहां पर हम सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। तो इस x के स्थान पर 2/11 है और इस y के स्थान पर 7/24 लिखा हुआ है, तो बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स, इस x के स्थान पर 2/11 है, y के स्थान पर 7/24 है, तो यहाँ x के स्थान पर 2/11 को लिखेंगे और y के स्थान पर 7/24 को लिखेंगे, यानी x के स्थान पर 2/11, y के स्थान पर 7/24। 1 - 2/11 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 7/24। ग्यारह और 24 का एलसीएम ले लेंगे, यहां पर 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, ये सरल करने पर प्राप्त हुआ है और 8, 7, 15 हासिल एक और 7, 4, 11, 1, 12 250, ये कट जाएगा 125 से 250 कट जाएगा दो बार में। क्वेश्चन में यह सिद्ध करना था, इतना बराबर टेन इनवर्स 1/2 लाना था, यह सिद्ध हो गया। इस स्थान पर सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो जहां भी दो टैन इनवर्स, जिस क्वेश्चन में दो टैन इनवर्स को जोड़ना होगा, वहां पर निश्चित रूप से सूत्र नंबर 3 की सहायता ली जाएगी। जो भी संख्या यहां होगी वह x के जगह पर और जो यहां संख्या होगी वह y के जगह पर पुट करके सरल कर देंगी, सरल करते चले जाएंगी, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर सिद्ध करना है टेन इनवर्स 31/17, तो विद्यार्थी ध्यान दें, यहां देखिए यहां पर दो टेन इनवर्स को जोड़ना है, यानी सूत्र नंबर 3 का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दो टेन इनवर्स को जोड़ना है, सूत्र नंबर 3 का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इस टेन इनवर्स के आगे जो 2 लग गया है, इसके वजह से यह फार्मूला यहाँ नहीं लगा सकते। यदि यह 2 नहीं होता तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देते, तो सर्वप्रथम हम इस 2 को हटाएंगे। तो जहाँ भी टेन इनवर्स के आगे लगे हुए 2 को हटाने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर हम सूत्र नंबर 4 का हेल्प लेते हैं। सूत्र नंबर 4 कहाँ प्रयोग करते हैं, जिस जगह पर टेन इनवर्स के आगे 2 लगा होता है, वहां उस 2 को हटाया जाता है सूत्र नंबर 4 की सहायता से। तो देखा जाए, इस 2 को पहले हटा ले, सर्वप्रथम पहला वर्क है इस 2 को हटाना, क्योंकि 2 जब नहीं रहेगा तो हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को आसानी से पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स लिखा हुआ है, इसको ध्यान दें, इस चीज को ध्यान दें, 2x/1 - x2, जहां x देख रहे हैं उसकी स्थान पर 1/2 नोट होगा, यानी 2x x के स्थान पर 1/2 रहेगा। 1 माइनस 1
यह 1/4 कैसे आया? x के स्थान पर इस 1/2 को लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और इसको हम उतार देते हैं, यह हमारा क्वेश्चन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा है। यह है लेफ्ट हैंड साइड, यह लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा है, यह सिद्ध करना है। तो यह हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करने पर 2 और 2 कट जाएगा और यह 3/4 हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3, 1/7। हम यहाँ देखते हैं कि दो टेन इनवर्स को जोड़ना है, सूत्र नंबर 3 का हेल्प ले सकते हैं। एक्स, इसमें एक्स के स्थान पर 4/3 रहेगा और इसमें वाई के स्थान पर 1/7 रहेगा, यानी हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी 4/3 प्लस 1/7। 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के स्थान पर 4/3 और वाई के स्थान पर 1/7। इसको हम सरल करेंगे, 21 इसका एलसीएम होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा, 7 3 21 होगा, 21 का 1 में 8 गुणा हो जाएगा, 4 एक 4 हो जाएगा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा टेन इनवर्स 28 और 3 31 हो जाएगा और 21 में से 7 गया 17 हो जाएगा। यही वहाँ देखें, यही हमें सिद्ध करना था। तो एक बात का ध्यान देंगे कि कभी भी टेन इनवर्स के पहले यदि 2 लगा हो, टेन इनवर्स के पहले यदि 2 लगा हो तो सर्वप्रथम उस क्वेश्चन में 2 को हटाया जाता है और 2 को हटाने के लिए सूत्र नंबर 4 की सहायता ली जाती है। और जैसे ही यह 2 हटा, ये 2 को हटाने के बाद इसकी जगह पर, 2 को हटाने के बाद इसकी जगह पर हमें यह प्राप्त हुआ है और यह टेन इनवर्स 1/7 यहाँ तक उतर गया। अब पुनः टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे, सरल करने पर सिद्ध हो जाएगा। अन्य सवालों को लगाने से पहले कुछ बातें हम बता रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, एक चार्ट बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखें और उसको याद कर लें, उससे सवाल लगाने में आसानी रहेगा, सरल रहेगा। वह चार्ट पर ध्यान देंगे,
सवाल नंबर 5 से जब प्रारंभ करेंगे तो इस चार्ट की सहायता ली जाएगी। अनेक क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का प्रयोग होना है, इस चार्ट का प्रयोग होना है। विद्यार्थी के सामने ये समस्या है कि सारणी याद कैसे करें, तो हम बता दें कि सारणी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से ये अपने आप क्वेश्चन को अभ्यास जब करेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे। जब हम सवाल को लगाएंगे तो इसको याद करने का ट्रिक भी साथ में हम बताते चलेंगे। तो सवाल नंबर 5 से इन सब सूत्रों का प्रयोग होना है, इस चार्ट का यूज होना है। तो सवाल नंबर 5 से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थी एक बात का ध्यान रखें कि पहली बात तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए प्रतिदिन का अभ्यास आवश्यक है। दूसरी बात, जो भी वीडियो बनते हैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर नहीं हो सकता है, तो चैप्टर के अंतर्गत जो अनेक वीडियो बन जाते हैं तो उसको क्रम से देखें, क्योंकि पहला जो वीडियो होता है उसमें सबसे पहले नियम बनाया जाता है और दूसरे से जो अभ्यास चालू होता है। तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन अभ्यास विद्यार्थी करें। दूसरी चीज़, वीडियो को क्रमानुसार देखें। और एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछना है, किसी भी प्रकार का यदि संदेह है, तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा कमेंट बॉक्स में अपने बातों को लिख सकते हैं, जिसका जल्द से जल्द उत्तर आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। और आप लोगों से आग्रह है कि नवल एकेडमी के द्वारा जो भी वीडियो आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में दिया जाता है उसको आप लोग ध्यान से देखें और उसको समझने का प्रयास करें। निश्चित रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग को लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लाभ जरूर होगा और आप लोग का कोर्स भी आगे बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।